How to fix OnePlus Note CE can't change lock screen clock problem. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है लॉक स्क्रीन क्लॉक प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे बताया कि उनको जो है OnePlus के डिवाइस में एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उनका जो लॉक स्क्रीन का क्लॉक होते हैं वो चेंज नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको भी ऐसा लगता है, अगर आपके फ़ोन पे भी ऐसा ही है, ठीक है, और आपने अभी तक कोशिश नहीं किया है लॉक स्क्रीन क्लॉक को चेंज करने के लिए, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों, लॉक स्क्रीन क्लॉक के रिगार्डिंग में आपको कुछ जो है बताने वाला हूँ, जो कि दोस्तों आप यहाँ पर जानिए, ठीक है, प्रॉब्लम को कैसे फिक्स किया जा सकते हैं वो सब आपको जानने को इस वीडियो पर मिल जाएगा। तो वीडियो के सारे अंत तक बने रहिए। सारे साथ दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर उसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ तक लॉक स्क्रीन क्लॉक के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके लिए दोस्तों हम सेटिंग पर अगर जाके चेक करते हैं लॉक स्क्रीन के अंदर पे, यह है दोस्तों आपका लॉक स्क्रीन का सेटिंग्स। ठीक है, तो सिक्योरिटी एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग्स है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे कि लॉक स्क्रीन पे पासकोड लगाना है, उसके बाद फिंगरप्रिंट अनलॉक, फेस अनलॉक, स्मार्ट अनलॉक, ठीक है, तो ये सब दोस्तों सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ये ऑप्शन दिया हुआ नहीं है कि लॉक स्क्रीन का जो क्लॉक है उसको आप कहाँ से चेंज कर सकें। अगर आप डिस्प्ले पर भी जाते हैं तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। लेकिन दोस्तों, लॉक स्क्रीन क्लॉक का फ्यूचर आपके मोबाइल पे नहीं है, उसके ऊपर में आपको एक फ्यूचर दिया हुआ है जो कि बहुत ही अच्छे है वन प्लस के मोबाइल पे। वह है दोस्तों एम्बिएंट डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले क्लॉक आपको मिल जाएगा। तो उसी के वजह से, ठीक है, तो उसी के वजह से दोस्तों आपको ये एक ऑप्शन नहीं दिया गया है वन प्लस के मोबाइल पर। क्योंकि दोस्तों, बहुत सारे मोबाइल पे मैंने देखा है, बहुत सारे फ़ोन यूज़ करके देखा है, लेकिन किसी मोबाइल पे भी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का सेटिंग बहुत ही कम है। ठीक है, बहुत सारे डिवाइस में न्यू होते हैं, लेकिन वन प्लस के डिवाइस में वो चीज़ है, उसके वजह से लॉक स्क्रीन का क्लॉक ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। क्योंकि डिस्प्ले के अंदर पर आप जाइए, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा एम्बिएंट डिस्प्ले। एम्बिएंट डिस्प्ले पर जाने के बाद आप इसको सेट कर सकते हैं, बाय शेड्यूल ऑल डे करके आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जाइए दोस्तों आपके कस्टमाइजेशंस। ये है दोस्तों क्लॉक ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले, यानी कि ये सिर्फ आपके लॉक स्क्रीन पर ही शो होगा। अभी यहाँ पे आप देखिए क्लॉक का जो यहाँ पे डिज़ाइन है वो काफ़ी सारे हैं। पहला वाला डिज़ाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं, दूसरे वाला, तीसरे वाला यहाँ पर है, ये है फोर्थ नंबर पर, यह है फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन। थर्टीन पे तो दोस्तों नॉन है, ठीक है, लेकिन ट्वेल्थ नंबर तक आपको जो है यहाँ पे एनालॉग का बहुत सारे ऑप्शंस जो है मिल जाते हैं क्लॉक का। तो ये फ्यूचर दोस्तों बहुत ही कमाल का है, ठीक है, और ये फ्यूचर जो है दोस्तों आपको दूसरे किसी भी मोबाइल पे देखने को नहीं मिलते और होते भी नहीं है। ठीक है, वन प्लस के डिवाइस में ही आपको ये फ्यूचर दिया जाते हैं, तो सिर्फ इसके वजह से आपके वन प्लस के मोबाइल पर क्लॉक जो है लॉक स्क्रीन पे वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन लॉक स्क्रीन पे आपको एम्बिएंट डिस्प्ले मिल रहा है, तो उसके वजह से आप चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन के क्लॉक को। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप अपने फ़ोन को अनलॉक करोगे तो आपको शो होगा आपके एम्बिएंट डिस्प्ले। ठीक है, तो यही दोस्तों एक ऑप्शन है आपके पास, जिसको आप फॉलो करके क्लॉक जो है चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। तो आज के लिए दोस्तों बस इतने, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।